हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं धीरज आपका स्वागत करता हूं धीरज फिटनेस की इस नई वीडियो पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैट लॉस के बारे में। गाइस, अगर हम फैट के नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जैसे आपकी कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कर देता है, आपकी हार्ट रेट को, हार्ट बीट और जितने भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको इंक्रीज कर देता है ये, और आपकी बैड लुकिंग भी हो जाती है, ओबेसिटी और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं जैसे आपके लीवर, लीवर को फैटी बना देता है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि ओवरऑल फैट रिडक्शन होता है हमारा, कभी भी स्पॉट रिडक्शन नहीं होता। कि जैसे आप सोचते चाहते हैं कि मेरा सिर्फ फेस फैटी कम हो जाए या मेरे थाई फैटी कम हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। गाइस, अब शुरुआत करें डाइट से। गाइस, अर्ली मॉर्निंग से बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा आता है गर्म पानी। जो हमारा पानी होता है नॉर्मली, वही एक आपकी एक अच्छी मेडिसिन है आपके फैट लॉस के लिए, अगर आप उसे एक प्रॉपर वे में यूज़ करें तो। गाइस, सुबह उठते ही आपने एक गिलास पानी पीना है, लेकिन वो पानी नॉर्मल नहीं होना चाहिए, थोड़ा उसे गर्म कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाएगा, तो एक अच्छा किक स्टार्ट है आपके दिन के लिए अगर आप फैट लॉस जर्नी पर हैं तो। अब हॉट वाटर की अगर हम बात करें तो ज़्यादा गर्म नहीं, नॉर्मली एक वार्म ल्यूक वार्म वाटर हमें रखना है। आप इसमें एक लेमन भी ऐड कर सकते हैं सुबह के, जो आप एक ग्लास पानी पी रहे हैं इसमें, तो वो भी एक अच्छा सोर्स है आपके फैट लॉस के लिए। गाइस, अब अर्ली मॉर्निंग के बाद आते हैं हमारी ब्रेकफास्ट का टाइम। ब्रेकफास्ट के अंदर आप नॉर्मली रोटी वगैरह खाते हैं, लेकिन वो रोटी को बिल्कुल हटा दीजिए। हमारी शुरुआत ब्रेकफास्ट की होनी चाहिए एक दलिए से या ओट्स से। अगर आप फैट लॉस की जर्नी पे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा जो बार्ले होता है, मतलब जो जौ होते हैं, जौ का दलिया आप खाएं, वो काफ़ी इफेक्टिव होगा आपके लिए फैट लॉस के अंदर। आप इस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं ओट्स या आप गेहूँ, जो नॉर्मल एक दलिया होता है घर में, उस वो अगर खा रहे हैं तो उसे भी रिप्लेस कर दीजिए बार्ले के साथ। जो अपनी जौ होती है उसका दलिया बनाकर खाइए, और उसके साथ आप कोई भी ग्रीन सैलेड ले सकते हैं। तो ये आपका ब्रेकफास्ट कॉम्बिनेशन हो गया। कैसे बात करते हैं ब्रेकफास्ट के बाद, 2-2.5 घंटे बाद जो आपका स्नैक्स टाइम होता है, 8 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया है सुबह के, तो 11 बजे की जो मील होती है वो आप रखते हैं स्प्राउट्स रख सकते हैं। स्प्राउट्स में मेनली आपने ध्यान रखना है, आपने रखनी है मूंग दाल, जो साबुत मूंग दाल होती है वो इतनी इफेक्टिव होती है ना फैट लॉस के अंदर। एक तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगी, कि जैसे आप खाओगे तो आप कहते हैं कि भूख क्रेविंग्स होती है, वो इस क्रेविंग को ख़त्म कर देगी आपकी। और दूसरा, आपकी एक लो कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट के अंदर आती है जो मूंग होती है साबुत, ये आपके फैट लॉस में काफ़ी हेल्प करेगी। रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह ये स्प्राउट्स बन जाएंगे। स्प्राउट्स को खाइए, आप स्नैक्स टाइम में खा सकते हैं, इसकी एक मील भी बना सकते हैं, जैसे आपने प्याज वगैरह डाल के, टमाटर वगैरह डाल के एक मील भी प्रिपेयर कर सकते हैं स्नैक्स के लिए। तो ये काफ़ी एक अच्छा सोर्स है अगर आप मूंग दाल कंज्यूम करते हैं तो। गाइस, अब बात करते हैं हम लंच की। लंच के अंदर आप नॉर्मली क्या खाते हैं, रोटी सब्जी। जो आपका रोटी होती है वो गेहूँ की होती है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करेंगे। रिप्लेस क्या करेंगे, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, या तो आप रोटियों की जगह ब्राउन राइस कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो बार्ले की जो होती है, मतलब जो जौ की रोटियाँ होती है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, वो भी काफ़ी इफेक्टिव होगी आपके लिए। जैसा कि मैंने अभी बताया था, जो जौ का दलिया होता है या जो जितनी भी होती है आपकी फैट लॉस में काफ़ी हेल्प करती है, हाई इन फाइबर होते हैं, तो ये चीज़ आप ऐड ऑन कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। उसके साथ जो सब्जी होगी वो आप उसके अंदर आपको जो साल्ट की इंटेक है वो थोड़ी कम रखनी है, ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना कंज्यूम करना है आपने। ज़्यादा स्पाइसी खाओगे तो वो ज़्यादा आपके वाटर होल्ड करेगा, इसलिए अपने स्पाइसनेस जो होती है वो कम रखना खाने की। अब हम बात करते हैं इवनिंग स्नैक्स के बारे में, कि इवनिंग स्नैक्स क्या रखे। गाइस, आप उसमें एक जूस रख सकते हैं, जो जूस हमारा होगा आंवला और एलोवेरा का, इसमें आप जिंजर भी डाल सकते हैं। गाइस, ये काफ़ी अच्छा जूस है, आपके जो एंटीटॉक्सिन भी होता है ये, और फैट लॉस में काफ़ी हेल्प करता है। अगर हम बात करें आंवला की, तो ये हाई इन विटामिन सी होता है, जो आपकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प करता है, तो इसका आप जूस पी सकते हैं, या इन तीनों का कम्बिनेशन भी कर सकते हैं। जैसे आंवला ले लिया आपने, दूसरा एलोवेरा ले लिया, एलोवेरा एक हाई फाइबर फूड सोर्स है, तो ये भी आपके फैट लॉस में काफ़ी हेल्प करेगा। तीसरा हमारी जिंजर होती है, अगर जिंजर एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसके अंदर जैसे आप जिंजर ऐड करेंगे तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगी, आपको खाने के बाद ऐसा लगेगा जैसे भरा भरा था, मतलब ज़्यादा भूख क्रेविंग्स नहीं होगी आपको खाने की, जो कि अक्सर आप फैट लॉस पे जाएंगे तो आपके काफ़ी क्रेविंग्स फेस करनी पड़ेगी, कि यार मैं ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, मुझे भूख लग रही है। तो जिंजर आप इसमें ऐड कर लेंगे तो आपको फूड क्रेविंग्स नहीं होगी, तो आप जिंजर ऐड कर सकते हैं। गाइस, अब बात करेंगे डिनर के बारे में, कि डिनर में आप क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। गाइस, डिनर में आप ऐड कर सकते हैं कि सैलेड, ग्रीन सैलेड। अब ग्रीन सैलेड के अंदर मैं प्रेफर करूंगा आपको कैबेज, जो ग्रीन कैबेज होती है वो काफ़ी अच्छा सोर्स है हाई फाइबर का, हाई वाटर इनटेक का,
और एंटीटॉक्सिन भी होते हैं काफ़ी इसके अंदर, तो ये आपको हेल्प करेगी फैट रिडक्शन में काफ़ी ज़्यादा। और इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं अपने जो कुकुम्बर होता है, तो एक पूरा ये कम्बिनेशन बन जाएगा इन दोनों का ग्रीन सैलड के अंदर। और उसमें आप जैसे जो दालचीनी पाउडर होता है, दालचीनी पाउडर भी इसके ऊपर आप स्प्रेड कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा होगा। दालचीनी पाउडर आपके इसके अंदर हेल्प करेगा मेटाबॉलिज्म में, तो ये पूरा ग्रीन सैलेड रेडी हो जाता है, तो ये डिनर में आप ऐड कर सकते हैं। गाइस जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं, कुछ फूड्स बताएं आप जो एग्जिस्टिंग डाइट प्लान चल रहा है उसके अंदर आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। बाकी जो हर एक बंदे का अपना डाइट प्लान अलग होता है, ये नहीं कि एक कॉमन डाइट प्लान सभी के लिए, हर एक बंदे का अपना अलग डाइट प्लान होता है, उसके कैलोरी मेंटेनेंस कैलोरी के ऊपर डिपेंड होता है। तो आप मुझे एक पर्सनलाइज डाइट प्लान अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पर DM भी कर सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इंस्टा पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है धीरज फिटनेस, तो आप मुझे वहाँ पर जाके फॉलो कीजिए, DM कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, कोई भी आपके डाउट है, क्वेरी, कुछ भी फैट लॉस से रिलेटेड या किसी भी हेल्थ फिटनेस रिलेटेड चीज़ें पूछनी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे DM कर सकते हैं। बस मिलते हैं ऐसे किसी बेहतरीन वीडियो में। थैंक यू।